वेलकम टू माई चैनल नेचुरल ब्यूटी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर में बाज़ार से भी अच्छा DIY हेयर सीरम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, लाइक कर देना वीडियो को और बताना कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो आज मैं आपको कुछ नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके बताने वाली हूँ कि आप अपने लिए कैसा अच्छा सा हेयर सीरम घर पे ही बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि हम इसके लिए क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। पहली चीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे हेयर्स को एक अच्छा सा एक्चुअली एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें होती है, तो हमारे हेयर से डैंड्रफ वगैरह निकालने में ये मदद करेगा, प्लस हमारे इस हेयर को बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाएगा। जो दूसरा चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल हमारे बालों को मॉइस्चराइज करेगा, हमारे बालों को सॉफ्ट बनाएगा और हमारे बालों को सिल्की स्मूथ लुक देगा। जो थर्ड चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो होगा थोड़ा सा गुलाब जल। तो गुलाब जल एक कंसिस्टेंसी देगा प्लस आपके बालों को एक सॉफ्टनेस देगा। एंड इसके बाद हम वाटर यूज़ करने वाले हैं। तो जो वाटर होता है वो आपके पूरे सीरम को एक कंसिस्टेंसी देगा। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि इसको आप कैसे बना सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी मार्केट से कैसे अच्छा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बाउल। तो इस बाउल में अब मैं जो चीज़ डालने वाली हूँ वो है वाटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाटर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे जितना आपको सीरम बनाना है उतना ही आप यहाँ पे वाटर ले, उससे थोड़ा कम ले क्योंकि हम रोज़ वाटर भी ऐड करने वाले हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 चम्मच गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर। तो मैं स्पून से इसको मेज़र करके लूँगी, ये 1 एंड 2। तो ये गुलाब जल हो गया। गुलाब जल का सिर्फ इसमें यही वर्क है कि वो आपके बालों को थोड़ा सॉफ्ट करेगा। फिर एलोवेरा जल लेंगे। तो मैं यहाँ पे बायो केयर का एलोवेरा जेल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं पर वो हर्बल होना चाहिए। यहाँ पे मैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले रही हूँ। एंड अब हम इन सब में डालने वाले हैं 1 चम्मच नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डाबर का कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है और इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम इन सबको विस्क दे देंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी घुमा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैंने उसको मिक्स कर दिया है। आपको इसको अच्छे से विक्स करके मिक्स कर देना है ताकि इसमें किसी भी तरीके के लम्स ना रह जाए। और अब आप ले सकते हैं कोई भी इस तरीके की बॉटल। जो मैंने यहाँ पे एक पंप बॉटल लिया, आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं। इसको वॉश कर लीजिए और अब मैं इसको फिल करने वाली हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये फिल कर दिया और अब हम इसको अच्छे से शेक कर लेंगे और ये आपका DIY हेयर सीरम रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना, वीडियो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इसको जब भी यूज़ करें एक बार आप ऐसे शेक कर लें, क्योंकि इसमें हमने पानी भी यूज़ किया है और थोड़ा ऑयल भी यूज़ किया है। तो अच्छे से शेक कर लें, वरना जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको अच्छे से प्रपोर्शन नहीं मिल पाएगा। सो बाय। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और इसको आप डेली पर्पज़ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।